अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जमाल एमजे स्टूडियो के साथ एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल सऊदी अरेबिया के हालात जिस तरह के चल रहे हैं, एक एंटी करप्शन कमेटी बनाई गई थी किंग सलमान की तरफ से, जिसका हेड उनके बेटे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बनाया गया। तो उन्होंने एक्शन लेते हुए फौरी तौर पर 4 मिनिस्टर्स जो थे हाजिर सर्विस उनको और 11 जो शहजादे थे उनको गिरफ्तार कर लिया था, जिनके अंदर जो सऊदी अरब के साबका बादशाह मलिक अब्दुल्ला थे उनके बेटे प्रिंस मुतब बिन अब्दुल्ला भी शामिल थे। तो दोस्तों, सऊदी अरब ने हालिया कल उनको जो है वो आज़ाद कर दिया है। उनको किन शराइत के ऊपर आज़ाद किया गया है, इसकी तमाम तफसीलात जो है वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आज ये वीडियो आप देखें। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी न्यूज़ हासिल करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, शुक्रिया जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब सऊदी अरब के अंदर भी जो है वो एहतसाब की हवा वो चल पड़ी है, और ऐसे ऐसे लोग जो कि करप्शन के अंदर मुलव्वस थे, चाहे वो बादशाह थे, चाहे वो शहजादे थे, चाहे वो मिनिस्टर थे, तो उनके खिलाफ जो है वो तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। तो इस तहकीकात के आगाज़ के अंदर जो करप्शन के खिलाफ इकदाम किए गए थे, सबसे पहले जो सऊदी अरब की हुकूमत थी उसने 4 मिनिस्टर्स वज़ीर जो थे उनको और 11 जो शहजादे थे उनको अपनी लपेट के अंदर लिया था, जिसके अंदर सऊदी अरब के मकबूल तरीन जो सियासी रहनुमा अपने कह सकते हैं वो थे, जिनका नाम शहजादा मुतब बिन अब्दुल्ला, जो कि साबका मलिक अब्दुल्ला किंग सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला के बेटे थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। उसके अलावा जो सऊदी एक बिलियनर हैं वलीद बिन तलाल, शहजादा वलीद बिन तलाल, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया था और उनको रियाज के अंदर एक होटल रिट्स कार्ल्टन के अंदर जेल के अंदर जो रखा गया था। तो दोस्तों, सऊदी हुकाम का कहना है कि करप्शन के इल्ज़ाम में 3 हफ्ते कबल गिरफ्तार किए गए शहजादा मुतब बिन अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया है। एक वक्त था कि शहजादा मुतब के सऊदी तख्त तक पहुँचने के बारे में तवक्को की जाती थी। ये कहा जाता था कि बादशाह अब्दुल्ला के बाद जो है वो सऊदी अरब के बादशाह बनेंगे। तहम अब उन्होंने अपनी रिहाई के लिए $1 अरब का जो है वो मुआहदा किया है। सुनने में ये आया है कि वो कहें, उन्होंने कहा है कि मैं हुकूमत को $1 अरब जो है वो फ्राहम करूँगा, उसके बदले जो है उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकी है। याद रहे कि शहजादा मुतब इन 200 अहम सियासी और कारोबारी शख्सियात में से एक हैं जिन्हें 4 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। शहजादा मुतब के अलावा 3 और अफराद की सऊदी हुकूमत के साथ रिहाई की जो है वो शराइत जो है वो तह पा गई हैं। याद रहे कि शहजादा मुतब वलीद मोहम्मद बिन सलमान के कज़न और वो सऊदी अरब के नेशनल गार्ड के सरबराह भी थे। गिरफ्तार किए गए अफराद में वो सबसे ज़्यादा सियासी ताकत रखने वाले शहजादे से 64 साल शहजादा मुतब मरहूम बादशाह अब्दुल्ला के बेटे हैं, और इन्हें गिरफ्तारी से थोड़ी देर कबल ही उनके ओहदे से जो है वो हटा दिया गया था, और उनकी बरतरफी के बाद उनको गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया था। अपनी गिरफ्तारी से पहले वो सऊदी हरसल वतनी के जो है वो सरबराह भी थे। सऊदी अरब में नई एंटी करप्शन कमेटी ने 11 शहजादों, 4 मौजूदा और दर्जनों साबक वज़रा को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार होने वालों में मारूफ सऊदी कारोबारी शख्सियत शहजादा अल वलीद बिन तलाल भी शामिल थे, जो कि किंगडम होल्डिंग के मालिक भी हैं और जो रियाज के अंदर किंगडम टावर है उसके भी वही मालिक हैं। ये गिरफ्तारियां इस एंटी करप्शन कमेटी की तश्कील के चंद घंटों बाद की गईं, जिसके सरबराह वलीद मोहम्मद बिन सलमान हैं। इस मौके पर सऊदी अरब के अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि मुल्क में हालिया अशरों के दौरान $1 खरब की जो है वो खुर्द बुर्द की गई है। गिरफ्तार अफराद को दारकूमत रियाज के रिट्स कार्ल्टन होटल में रखा गया। ये गिरफ्तारियाँ गुज़श्ता बरसों में सऊदी अरब से आने वाली अहम तरीन खबरों में से एक हैं। इसके बावजूद सऊदी अरब में इस पर खुलेआम जो है वो बहुत कम बात हो रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल MGI स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की जो मालूमती वीडियोज़ हैं वो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।